हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना 18 जुलाई 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। कल राजेश खन्ना की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना भी इमोशनल हो गई और उन्होंने पोस्ट शेयर कर अपने पापा को याद किया। साथ ही राजेश खन्ना के करीबी दोस्त भूपेश रासीन ने उनके आखिरी दिनों को याद करते हुए कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। भूपेश रासीन ने बताया कि काका को पहले ही अपनी मौत का आभास हो गया था। उनके मुताबिक लगातार बुखार रहने के बाद राजेश खन्ना को कैंसर का पता चला था। एक नामी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में भूपेश रासीन ने कहा कि राजेश खन्ना का बुखार जा ही नहीं रहा था। कुछ टेस्ट हुए जिनके बाद पता लगा कि उन्हें कैंसर था। जानते हैं, वो डॉक्टर के पास गए और सीधे पूछा, मेरा वीजा कब एक्सपायर हो रहा है? डॉक्टर ने मुझे या किसी और को उनकी बीमारी के बारे में नहीं बताया, बल्कि सीधे काका जी को बता दिया था। इसके बाद वो शौक में थे, लेकिन उनमें चीजों को बर्दाश्त करने की क्षमता थी। वो शौक में थे, लेकिन कुछ दिन बाद मुझसे कहा, ठीक है, हो गया, अब आगे क्या? आगे भूपेश ने बताया कि हमें पता था कि उनका आखिरी वक्त करीब है, खास तौर पर लास्ट वीक में। अक्षय, डिंपल, ट्विंकल और रिंकी सभी उनके पास थे। बेटियां उनके बगल में थी, मैं पैरों के पास था। अंजू महेंद्रू यानी राजेश खन्ना की दोस्त भी वहीं मौजूद थी और वो उनसे मिलने आई थी। उन्होंने बताया कि बीमार होने के बहुत पहले उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था, मैं जा नहीं पाया। अगले दिन वो बोले, जल्दी ही तुम मुझसे मिलने के लिए तड़पोगे, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि उन्हें कैंसर होने से पहले ही अपनी मौत का आभास था। इससे पहले भूपेश ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि 2011 में ट्विंकल खन्ना अपने पिता का बर्थडे गोवा में मनाने गई थी। पूरा परिवार उनके साथ था। उनको इस बात का एहसास हो गया था कि ये उनका लास्ट बर्थडे है। उन्होंने भूपेश से कहा था, ये फाइनल हो गया, लेकिन जल्दी हो रहा है। राजेश खन्ना के खास दोस्त और बिजनेस पार्टनर प्रकाश रोहरा ने भी एक नामी वेबसाइट से बात करते हुए काका के बारे में कहा कि बेहद जिंदा दिल इंसान थे। राजेश अपने जीवन के आखिरी पल तक राजा की तरह जिए। उनके जैसा उदास शख्स मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मीडिया में उनकी फैमिली और फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर जो कुछ भी बताया गया सब गलत है, क्योंकि मैं उनकी जिंदगी का गवाह हूँ। मीडिया उनके बारे में जो कुछ भी लिखे, लेकिन वो अक्सर कहते थे कि ये मीडिया है जिसने मेरे स्ट्रगल के दिनों में मदद की थी। आगे प्रकाश बताते हैं कि राजेश खन्ना अक्सर कहते थे कि हम खन्नी हैं और हम लोग बेटियों को दे देते हैं, उनसे कुछ लेते नहीं। डिंपल जी उनके आखिरी समय तक देखभाल करती रही, 24 घंटे उनके साथ रहती थी। काका जी के बीमार पड़ने से पहले भी मैंने उनकी बॉन्डिंग देखी है, अक्षय कुमार दोस्त की तरह थे। एक और बात मैं ये बताना चाहूँगा कि काका जी और डिंपल को एक बार रेडियो स्टेशन से बुलावा आया था। एक दर्शक ने डिंपल से उनकी खूबसूरती का राज पूछा तो काका जी ने माइक लिया और उनकी तरफ से बोले, मैं हूँ। एक बार ट्रिप पर जाने से पहले डिंपल जी शॉपिंग करने गई तो काका की फेवरेट सिगरेट और सनग्लास लेकर आई, लेकिन ट्रिप पर वो पहन नहीं रहे थे। जब डिंपल जी ने बहुत जोर दिया तो पहना और कहा, लग रहा हूँ ना राजेश खन्ना। बीमारी के समय काका जी ने अपनी फिल्म आनंद की एक डीवीडी अपने डॉक्टर को दी थी, क्योंकि उनकी रियल लाइफ भी इस फिल्म के कैरेक्टर से काफी मिलती जुलती थी। राजेश खन्ना के कुछ ऐसे दोस्तों ने उन्हें निराश किया था जिनकी काका ने करियर के शुरुआती दौर में मदद की थी। वो कहा करते थे, इस इंडस्ट्री में रिलेशनशिप फ्राइडे टू फ्राइडे बदलती है। मुझे याद है कि अमिताभ बच्चन के हाथों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेते समय एक प्रेस वाले ने पूछा था कि वो और अमिताभ बच्चन एक साथ दोबारा क्यों नहीं आ सकते। काका जी ने तुरंत बोला, क्यों नहीं, लेकिन फिल्म बनाने वाला प्रोड्यूसर होना चाहिए। बता दें कि राजेश खन्ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे। उन्होंने एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी की थी,
16 साल की उम्र में डिंपल ने राजेश खन्ना को अपना लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला लिया। शादी के बाद डिंपल को अपना करियर भी छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पति यानी एक्टर राजेश खन्ना चाहते थे कि डिंपल फिल्मों में काम ना करे और डिंपल ने पति की ख्वाहिश पूरी भी की। शादी के कुछ सालों बाद इनके रिश्ते में अनबन रहनी शुरू हो गई। रोज रोज की खिटपिट से तंग आकर डिंपल राजेश खन्ना को छोड़कर अलग रहने लगी, जिसके बाद राजेश खन्ना का करियर डाउन आया और वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तब उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि डिंपल को फिल्मों से दूर रखना ठीक नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब मैंने डिंपल से शादी की तब मुझे अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए थी। मुझे डिंपल के टैलेंट का कोई अंदाजा नहीं था, नहीं तो उन्हें कभी नहीं रोकता। टैलेंट पर अंकुश लगाना क्रूरता है। जब तक मैंने डिंपल की फिल्म बॉबी देखी तब हमारी बेटी का जन्म हो चुका था। दरअसल जब काका का करियर डूब रहा था तब पार्टी में प्रोड्यूसर गुलशन राय उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया के पास गए, उन्हें अकेले में ले जाकर कहा कि अब सिर्फ तुम ही अपने पति का करियर बचा सकती हो, अगर तुम उनके साथ एक फिल्म कर लो। डिंपल कपाड़िया ने इसके जवाब में गुलशन राय से कहा था कि फिल्म के साथ काम करने की बात तो दूर, अगर मैंने राजेश खन्ना को ये सुझाव भी दिया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। दरअसल ये बात उनकी ईगो पर लगने वाली थी, इसलिए डिंपल ने गुलशन राय का ये प्रपोजल स्वीकार नहीं किया। अपने आखिरी वक्त में राजेश खन्ना बुरी आदतों का शिकार हो गए थे। खबरों की माने तो वो बहुत शराब पीते थे जिससे काफी कमजोर हो गए थे, बार बार गिर पड़ते थे जिससे उन्हें कई फ्रैक्चर भी हो गए थे। वो बार बार कहते थे कि 70 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा, हालांकि वो उससे पहले ही चले गए। बता दें कि राजेश खन्ना की दो बेटियां हैं ट्विंकल व रिंकी खन्ना, दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं। उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया बिजनेस करके अपना खर्चा चला रही हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।